जनपद संभल के ब्लॉक असमोली के गांव असमोली में पल हॉस्पिटल एवं सम्राट हॉस्पिटल पर एसडीएम संभल विनय कुमार मिश्रा व नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग संतोष कुमार पटेल ने सुभाष और सम्राट हॉस्पिटल पर की छापेमारी। छापामारी के दौरान सम्राट हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं पाया गया, जिस पर एसडीएम साहब ने हॉस्पिटल संचालक को 5 दिन का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने का समय दिया है। उन्होंने कहा, अगर 5 दिन में आपने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कराया तो आपका हॉस्पिटल फीस कर दिया जाएगा। पाल हॉस्पिटल पर कुछ समय पहले भी छापेमारी की गई थी। इस दौरान पाल हॉस्पिटल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं पाए गए थे, जिसको लेकर संतोष कुमार पटेल नोएडा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि हॉस्पिटल में कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है। इनके खिलाफ जाँच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें महिला की भी मौत हो गई थी, उसको लेकर एसडीएम साहब ने आज फिर अस्पताल पहुंचकर जानकारी की तो हॉस्पिटल संचालित था और एसडीएम की सूचना मिलने पर हॉस्पिटल संचालक ने सभी मरीजों को नीचे बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया था और हॉस्पिटल में लाइटें वगैरह बंद करके अंधेरा कर दिया था, जिससे कि ऐसा लगे कि हॉस्पिटल में कोई नहीं है। लेकिन मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी और एसडीएम संभल ने सभी मरीजों को देखा और नोडल अधिकारी संतोष कुमार पटेल को हॉस्पिटल की जानकारी देने को कहा। वहीं पत्रकारों को नोडल अधिकारी संतोष कुमार पटेल ने वाइट देने से इनकार कर दिया और गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर। सर एक मिनट, बताइए, अस्पतालों में आपने जांच की गई है, इसमें क्या पाया गया है सर? एसडीएम साहब साथ में थे, पहले कॉल उसको सम्राट हॉस्पिटल को देखा गया जी, उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं था, एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा था जी जी, आफ्टर उसके उनके पास सिजेरियन कर रखे हैं, लेकिन किसी डॉक्टर या फिर एनेस्थेटिक का नाम नहीं था और कोई रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया कि इस ओटी को सील कर दिया जाए, लेकिन सील करने के लिए उनके पास कोई कुंडा या लॉक नहीं था, लेकिन उनके लिए हम अभी एक जो है आदेश बना रहे हैं कि जब तक उनके पास कोई रजिस्टर्ड एनेस्थेटिक और एक सर्जन ना हो, तब तक वो अपनी ओटी ना चलाएं।